सोचने वाली बात होगी कि क्या यह एक घुमियारों की पार्टी बनकर रह जाती है, या समस्त जातियों का नेतृत्व करता है, या अगड़े पिछड़े की राजनीति करते हैं। राजनीति की दिशा और दशा कब कहां बदल जाए, कब किसके साथ मैच फिक्स हो जाए और किसके साथ हो चलें और किससे हाथ झटक करके अलग चले जाएं, यही राजनीति की खूबसूरती है और बदसूरती भी। देश में कई पार्टियां बनती रहती है और बिगड़ती रहती है, समाप्त होते रहती है, जीतती रहती है और हारते रहती है। मगर आज बिहार में एक जातीय समीकरण तय करते हुए एक ऐसी पार्टी बनी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जन जन पार्टी। इस पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष पहले भी रह चुके थे और उसमें दो साल से काम कर रहे थे। और जिस प्रकार से एक नया पार्टी, एक नई विचारधारा अब बिहार को देखने के लिए मिलेगी, वह कैसी होगी, वह पार्टी क्या करेगी, आज फेसबुक लाइव आकर के कई राजनीतिक घोषणाएं और अपनी पार्टी का व्यू रखने के पर्पस से घंटा भर पत्रकारों ने सवाल जवाब करते रहे और वो भाषणों की तरह संबोधन करते रहे, उन पत्रकारों के जवाब देते रहे। यह तो भविष्य तय करेगा कि यह पार्टी एक जातीय खास जाति का एक बनकर रह जाएगी, या अगड़े पिछड़े की राजनीति करेगी, या पूरे बिहार का नेतृत्व करेगा। वैसे देश में कई पार्टियां बनी है जो जाति आधारित आज भी है और वह सत्ता में भी आती है और गठजोड़ करके सरकारें भी चलाती रहती है, सरकारें भी बनाते रहती है और सरकारें भी गिराते रहती है, और अनेक आरोप और प्रत्यारोप के बाद भी वह पार्टियां चलते रहती है और समाप्त होते रहती है। यह इतिहास और वर्तमान इसका बहुत ही असमंजस वाला है कि वह पार्टी कब कैसे जनता के नज़र में अच्छा बनता है और कब खराब होता है। यही पार्टी आशुतोष कुमार की, देखते हैं यह आगे चल करके कितना आगे चल पाती है, या अपने जो जिस समाज के बात उठाने को लेकर के आशुतोष कुमार बिहार में भूमियारों के नेता के रूप में पहले अपनी एक पहचान बनाई और अब एक पार्टी बनाए हैं, उनसे सवाल और जवाब जब भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के जरिए गांधी मैदान में रैली कर रहे थे, तब भी कई सवाल करने का जब मौका मिला तो वह बड़ी सफाई से उन्होंने साफ कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम राजनीति में अच्छाई करेंगे। लालू राज को घेर रहे थे और नीतीश कुमार पे आक्रामक हो रहे थे। कई सवालों में वह यह भी कह रहे थे कि हम अभी सत्ता में नीतीश हैं तो हम उन्हें घेरेंगे, लालू को क्यों घेरेंगे। और लालू के 15 सालों के पर भी पलायन जैसे मुद्दे पर और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से चल रहा है उस पर भी वो नहीं रुके और कई सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। गोपालगंज के मर्डर पर तेजस्वी ने जिस प्रकार से जातीय समीकरण के तहत कई लोगों का कहना है कि तेजस्वी एक जाति के होने के कारण लॉकडाउन का पालन नहीं करने को तैयार थे, वह गोपालगंज जाने के लिए तैयार थे, और गया की घटना पर वह क्यों नहीं गए, यह भी एक संशय वाली स्थिति पैदा करती है। राजनीति में अलग अलग प्रकार की बातें होते रहती हैं। उन्हीं सब सरगर्मियों के बीच ये राष्ट्रीय जन जन पार्टी का आज गठन हुआ, या स्थापना कह सकते हैं। यह इसकी कई टोली कुर्सियों पर नज़र आई और उन सभी के जरिए आशुतोष कुमार ने कहा कि हम एक नई राजनीतिक दिशा तय करेंगे बिहार में। यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह एक भूमियारों की पार्टी बनकर रह जाती है, या समस्त जातियों का नेतृत्व करता है, या अगड़े पिछड़े की राजनीति करते हैं। राजनीति की दिशा और दशा कब कहां बदल जाए, कब किसके साथ मैच फिक्स हो जाए और किसके साथ हो चलें और किससे हाथ झटक करके अलग चले जाएं, यही राजनीति की खूबसूरती है और बदसूरती भी। राष्ट्रीय जन जन पार्टी जिस सोच से भी बनी हो, अगर वह जनहित में अगर अच्छा करती है, जिस प्रकार से वह नाम रखी है, उन्हें इसके लिए बधाई शुभकामनाएं। अगर यह पार्टी समाज हित में, देश हित में अगर अच्छा करेगी तो ज़रूर उसे अच्छा कहा जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकासवरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।